कहते हैं एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांशी राम जी को राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मान्यवर कांशी राम ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देने वाले कांशी राम सत्ता को दलितों की चौखट तक लाना चाहते थे। वे राष्ट्रपति बनकर चुपचाप अलग बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन वाजपेयी ने कांशी राम को राष्ट्रपति क्यों बनाना चाहा? वाजपेयी ऐसा क्यों चाहते थे कि अगर कांशीराम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी? राजनीति में जब किसी की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है या उसे खुश किया जाता है तो जानकार मान लेते हैं कि उस आदमी का कद घटने वाला है। जानकारों ने इस किस्से को भी इसी नजर से देखना चाहा था, लेकिन कई लोग ये मान रहे थे कि असल में वाजपेयी कांशीराम को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि अगर वो समझ जाते तो उन्हें ऐसा ऑफर देते ही नहीं। कांशीराम को राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इसे ठुकराने के पीछे उनका लक्ष्य साफ साफ देखा जा सकता है। वो सदियों से गुलाम समाज को सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठाना चाहते थे। वो जानते थे कि सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही ऐसा पद होता है जो सबसे ताकतवर होता है। वो समझते थे कि राष्ट्रपति का पद एक रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो राष्ट्रपति बनकर कभी अपने लोगों का भला नहीं कर पाएंगे। उन्हें नौकरियां नहीं दिला पाएंगे, उन्हें शिक्षा नहीं दिला पाएंगे, उनके लिए अच्छे कानून नहीं बना पाएंगे, संसाधनों पर उनकी हिस्सेदारी नहीं दे पाएंगे। राष्ट्रपति बनकर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और यही वजह थी कि वो सत्ता के पावर सेंटर में बैठना चाहते थे। वो दलितों को राजनीति के सबसे ऊंचे ओहदे पर देखना चाहते थे। मायावती के रूप में एक हद तक उन्होंने अपने इस लक्ष्य को हासिल भी करके दिखाया। यूपी यानी जो हिंदी पट्टी का सबसे बड़ा सूबा है, वहां उन्होंने एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। कांशीराम पर आरोप लगे कि वो किसी गठबंधन को लेकर वफादार नहीं रहते, वो किसी से भी गठबंधन कर देते हैं, ऐसा उन पर कई बार आरोप लगा। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से समझौता किया और फिर खुद ही उस समझौते को तोड़ भी दिया। लेकिन असल में कांशीराम इन सब के साथ में समय के हिसाब से जो गठबंधन हो रहा था वो तो सिर्फ समझौता ही था, क्योंकि उनका असल गठबंधन तो उनके लक्ष्य के साथ था। वो सत्ता को गुरु किल्ली यानी मास्टर की कहते थे कि वो सभी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने की मास्टर की है, मास्टर चाबी है, और उसको हासिल करने के लिए जो ये लोग हैं, जो ये दल हैं, इनके साथ जो गठबंधन करना पड़ रहा है वो समय की जरूरत है और वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य था सत्ता के केंद्र यानी पावर सेंटर में किसी दलित व्यक्ति को बिठाना और उन्होंने अपने लक्ष्य की खातिर ही ऐसी जो गठबंधन है वो किए समय के हिसाब से। मान्यवर कांशीराम ने अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, मैं उन्हें यानी राजनीतिक दलों को खुश करने के लिए ये सब यानी राजनीतिक संघर्ष नहीं कर रहा हूं। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को खुश करने के लिए गठबंधन कर रहा या तोड़ नहीं रहा हूं, बल्कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हूं और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये गठबंधन जो कि समय की जरूरत है उसको कर रहा हूं। अपने राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के दौरान मान्यवर कांशीराम ने ब्राह्मणवाद से प्रभावित या उससे जड़ी हर चीज को बेहद तीखे शब्दों में विरोध किया था। अब जानते हैं वो तीखे शब्दों में विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो महात्मा गांधी हो, राजनीतिक दल हो, मीडिया हो या फिर खुद ही दलित समाज के वे लोग जिन्हें कांशीराम चमचा कहते थे। उनके मुताबिक ये चमचे वे दलित नेता थे जो दलितों के स्वतंत्रता संघर्ष में दलित संगठनों का साथ देने के बजाय पहले कांग्रेस और बाद में भाजपा जैसे बड़े राजनीतिक दलों में मौके तलाश रहे थे। कांशीराम और उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं कि इन जैसे नेताओं ने दलित संघर्ष को कमजोर करने का काम कामयाबी से किया है। वे अपनी किताब चमचा युग में कांशीराम के जो ये चमचा जिनको वो कहते हैं वो इस बारे में लिखते हैं अपनी चमचा युग में, और इसके लिए वो गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने लिखा है कि अंबेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को गांधी ने दबाव की राजनीति से पूरा नहीं होने दिया और पूना पैक्ट के फलस्वरूप आगे चलकर संयुक्त निर्वाचन मंडलों में उनके चमचे खड़े हो गए। कांशीराम का मानना था कि जब जब दलितों का कोई आंदोलन मनुवाद को गंभीर चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है तब तब ब्राह्मणवादी साजिश रचते हैं, और जब वो सीधी लड़ाई में दलितों को नहीं हरा पाते तो फिर अपने चमचे खड़े कर देते हैं। कांशीराम ने लिखा है, औजार दलाल पिट्ठू अथवा चमचा बनाया जाता है सच्चे खरे योद्धा का विरोध करने के लिए। जब खरे और सच्चे योद्धा होते हैं तो चमचों की मांग तभी होती है। जब कोई लड़ाई, कोई संघर्ष और किसी योद्धा की तरफ से कोई खतरा नहीं होता तो चमचों की जरूरत नहीं होती, उनकी मांग नहीं होती।
प्रारंभ में उनकी उपेक्षा की गई, किंतु बाद में जब दलित वर्गों का सच्चा नेतृत्व सशक्त और प्रबल हो गया तो उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकी। इस मुकाम पर आकर ऊंची जाति के हिंदुओं को ये जरूरत महसूस हुई कि वे दलित वर्गों के सच्चे नेताओं के खिलाफ चमचे खड़े करें। यानी कांशीराम साहब बता रहे हैं कि कैसे अपने चमचों के जरिए दलित आंदोलन को कमजोर किया जाता है, और समय के हिसाब से कांशीराम साहब ने जो रणनीतियां बनाई उन्होंने सभी के इस जो ब्राह्मणवादी प्रपंच थे उनकी पोल खोल दी, उनको बेनकाब कर दिया। आप सब जानते हैं बाबरी विध्वंस के बाद जब उन्होंने मुलायम सिंह के साथ में हाथ मिलाया और उस समय जो हिंदुत्व की लहर थी उसमें भी उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गई जय श्री राम जैसा नारा दिया और इतनी सशक्त आवाज वो बनकर उठ खड़े हुए। बाद में जब मुलायम सिंह के साथ गठबंधन टूटा, बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, तो वाजपेयी ने बाद में ये कहा, आप उनका बयान देख सकते हैं, कि हमने एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाला और फिर दोनों कांटों को फेंक दिया। यानी मुलायम सिंह और कांशीराम को एक दूसरे का विरोधी, यानी दलित और ओबीसी को एक दूसरे का विरोधी बनाया और फिर सवर्णों की हिंदुत्व की भावना को आगे बढ़ाया। ये बात वाजपेयी के बयान से आप समझ सकते हैं, और यही वो वजह थी कि वो जब कांशीराम का कद बड़ा होने लगा तो वो उन्हें राष्ट्रपति पद बनाकर, राष्ट्रपति का पद देकर चुप कराना चाहते थे कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, मौज लीजिए, राष्ट्रपति भवन में घूमिए, ताकि दलित आंदोलन कमजोर हो जाए और दलितों को सत्ता से दूर रखा जा सके। और जो रबर स्टैंप, यानी आप जैसे देखिए रामनाथ कोविंद को दलित होते हुए या फिर द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होते हुए उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, उससे कितना बदलाव हुआ है उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। और यही वजह थी कि माननीय कांशीराम साहब ने वो राष्ट्रपति पद ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में जाऊंगा तो प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति में नहीं बनना चाहता। आपको उनके थोड़े जीवन के बारे में बता देते हैं कि कैसे वो बाबा साहब के प्रति अपना रुख करते हैं। 1958 में वो ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे में डीआरडीओ में बतौर सहायक वैज्ञानिक काम करते हैं। वो एक बड़े अफसर के तौर पर वहां से काम शुरू करते हैं, और इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी को लेकर एक संघर्ष होता है, जो दीना भाना है उनके साथ संघर्ष होता है और छुट्टी नहीं देती, जिसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को मनाने को लेकर जब वो अड़ जाते हैं तो फिर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है, और माननीय कांशीराम साहब दीना भाना और डीके खोपड़े के साथ में मिलकर वो लोग अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने नौकरियों में लगे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ मिलकर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी बामसेफ की स्थापना की। यह संगठन आज भी सक्रिय है और देश भर में दलित जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन दर्जन भर टुकड़ों में बट चुका है। 1981 में कांशीराम साहब ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की शुरुआत की थी, जिसे DS4 का नाम दिया जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी यानी BSP का गठन किया, और आगे चलकर उन्होंने मायावती जी को उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है भारत की राजनीति में, जिसमें जाति प्रधानता है, जहां जातियों से बहुत कुछ तय होता है, वहां एक दलित महिला का सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बन जाना अपने आप में किसी बहुत बड़े चमत्कार के जैसा था। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ था कि इतने बड़े सूबे में कोई दलित व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हो। इस पूरे सफर में कांशीराम साहब ने लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा, इसके लिए सैकड़ों किलोमीटर साइकिल दौड़ाई, उन्होंने साइकिल यात्रा की, पैदल मार्च किए, मीलों पैदल चले। ऐसे भी मौके आए जब उन्होंने फटी कमीज पहनकर भी दलितों की अगुवाई की, उन्हें ज्यादातर नीली या फिर सफेद कमीज के अलावा शायद ही किसी और रंग के कपड़े में देखा गया हो। बहुत ही सादा जीवन था उनका। 90 के दशक के मध्य तक माननीय कांशीराम साहब की जो हालत है वो थोड़ी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और स्वास्थ्य उनका बिगड़ता जा रहा था, वो हेल्थ पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो गई थी, और 1994 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे जिससे उनको हार्ट अटैक आ गया, और फिर 2003 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद उनकी पूरी की पूरी जो लड़ाई थी वो रुक गई और वो आंदोलन से परे हो गए, क्योंकि शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। लगातार खराब होती सेहत ने 2004 तक उन्हें सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और आखिरकार 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से ये दलितों का जो मसीहा था, बहुजन नायक था, वो हम सब से दूर हो गया, और उनका ख्वाब यानी प्रधानमंत्री बनने या बनाने का जो ख्वाब था वो आज भी अधूरा रह गया। वो एक दलित प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया है।
मान्यवर कांशीराम ने केवल एक व्यक्ति के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया और वो व्यक्ति थे खुद। यानी उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई संपत्ति नहीं जुटाई, कभी कोई परिवार नहीं बनाया, कभी कोई ऐशोआराम की जिंदगी नहीं जी और वो अपने लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। घर छोड़ने से पहले अपने परिवार के लिए वो एक चिट्ठी जरूर छोड़कर गए थे। इसमें उन्होंने लिखा था, अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। और वे सच में कभी नहीं लौटे, वो कभी अपने घर नहीं गए, न घर बसाया और न ही कोई संपत्ति बनाई। परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर भी वे घर नहीं गए। जब परिवार के लोगों की मौत हो गई तब भी वो अपने घर नहीं गए। इतना डेडिकेशन था समाज के लिए कि मैं परिवार के पास जाऊंगा ही नहीं, अब मुझे सिर्फ समाज के लिए काम करना है। परिवार के लोग भी जब कभी उनसे मिलने आए तो उन्होंने मना कर दिया, उनको लेने के लिए भी आए तो जाने से मना कर दिया, उनकी माँ भी आई थी तब भी उन्होंने मना कर दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा उस घर में, अब ये समाज ही मेरा घर है और इसी के लिए मुझे काम करना है। दुनिया में ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व विरले ही हुए हैं, बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति जितने इतना समर्पण हो, इतना त्याग हो, वो व्यक्ति अपने समाज के लिए आगे आया हो। ऐसे उदाहरण बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। जिन्होंने अपने संघर्ष से वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, कांशीराम जी ऐसी ही एक मिसाल है। अगर वाजपेयी के ऑफर को मानकर वो राष्ट्रपति बन जाते तो मजे की जिंदगी जीते, हर तरह का ऐशो आराम उन्हें मिलता, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन की शाही बग्घी की जगह साइकिल को चुना और अपने लोगों को जगाने का काम किया। बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ाते हुए बहुजनों को राजनीतिक रूप से एक ताकत के तौर पर स्थापित किया। ऐसे महानायक को हम सलाम करते हैं। मानवर कांशीराम की जिंदगी पर, उनके काम पर आधारित ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय दें। आप मानवर के बारे में अगर और कुछ बातें जानते हैं तो कमेंट करें। आपसे अपील है कि बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाएं। आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, इसके जरिए आप हमें डोनेशन भेज सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आपको स्वतंत्र अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थान स्थापित करने हैं तो थोड़ी सी आपको मदद जरूर करनी पड़ेगी। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।